दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस जो हैं आपके पास पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ट्रांजिशन के हवाले से। ये जो वीडियो है बिल्कुल स्टेटस और व्हाट्सएप के लिए आपके लिए बेहतरीन है और अच्छे से ट्रांजिशन में आपको एड करके दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्टार्ट करना है कैपकट को। कैपकट में जाने के बाद आपने वो इमेजेस सेलेक्ट करनी है जिन पे आपने ट्रांजिशन ऐड करनी है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस ऐड करनी है। मैंने कुछ इमेजेस नेट से डाउनलोड की हुई थी, आप अपनी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब इमेजेस को एक साथ ऐड कर दिए, चारों को बल्कि 500 को। यहाँ ऐड करने के बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सॉन्ग ऐड नहीं कर रहा क्योंकि अभी कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर हमने एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने से पहले हर वीडियो तस्वीर को आपने टैप करना है और जूम करना है ताकि ये ट्रांजिशन पे आउट ना हो उस इमेज से ना, जितनी भी रेजोल्यूशन से। तो मैंने बारी बारी सब तस्वीरों को क्लिक करके जूम कर रहा हूँ ताकि ये मूवमेंट हो तो आउट ना हो सके। तो चारों हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद जो है ट्रांजिशन हम ऐड करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने जाना है एनिमेशंस पे। एनिमेशंस पे जाने के बाद कॉम्बो क्लिक करेंगे। कॉम्बो क्लिक के बाद यहाँ मैं पेंडुलम वन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो पेंडुलम वन पे मैं सेलेक्ट किया ताकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेंडुलम पे लगा दिया। सेकंड इमेज को मैं लगाऊँगा पेंडुलम टू पे। तो पेंडुलम टू लग गया। ऐसे मैं दोबारा थर्ड पे मैं पेंडुलम वन लगा दूंगा। दोबारा क्लिक किया एनिमेशन में, कॉम्बो में जाकर पेंडुलम वन लगा दिया मैंने। फिर लास्ट वाले में फिर मैंने पेंडुलम टू लगा दिया। ऐसे बारी बारी आपने सब में पेंडुलम लगाना है। तो प्ले करके देखते हैं कैसे लगती है वीडियो। तो देख रहे हैं आप बेहतरीन एक मूवमेंट हो रही है इमेजेस में। तो इसके साथ आप म्यूज़िक भी अपना ऐड कर सकते हैं इसके साथ मूवमेंट होते हुए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि पेंडुलम वन और टू जो है एक इमेजेस इमेज पे हो ताकि ट्रांजिशन फास्टली हो। तो फर्स्ट पे क्लिक किया मैंने, उसको स्प्लिट कर देना है एक इमेज को दो हिस्सों में। तो फर्स्ट वाले में तो पेंडुलम वन लगा हुआ है, तो सेकंड वाले में मैंने क्लिक किया कॉम्बो में गया, उसके बाद मैंने पेंडुलम टू पे क्लिक किया। ऐसे ही मैं सेकंड इमेज के सेंटर पे जाऊंगा और सेंटर की इमेज के सेंटर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा, इन दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा ना। फर्स्ट वाले में ट्रांजिशन लगा हुआ है जो मैंने अभी लगाई है, तो सेकंड वाले पे ऐड करते हैं। इसको स्प्लिट करने के बाद सेकंड वाले पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोबारा एनिमेशन पे गए, कॉम्बो पे लगाया मैंने और पेंडुलम टू लगा दिया। पेंडुलम टू लग गया। ऐसे ही मैंने थर्ड इमेज पे जाना है, इसको स्प्लिट करना है दो हिस्सों में और फिर मैंने सेकंड हिस्से को एनिमेशन पे जाना है और फिर कॉम्बो में जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद जो है फिर पेंडुलम टू लगाना है मैंने। फिर चले गए हम थर्ड पे, नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जाने के बाद भी आपने ऐसे ही करना है, पेंडुलम टू लगाना है सेकंड वाले पे ताकि वीडियो की मूवमेंट जो है फास्टली हो सके इमेज की। तो दोनों मैंने ऐसे ऐड कर दिए। फिर लास्ट वाले पे करते हैं आगे चल के। मैं इस पर देख लेता हूँ, इसमें शायद नहीं लगा हुआ लास्ट वाले में। कोशिश करके देखते हैं कि अगर लास्ट वाले में हो रहा है तो फिर कर लेंगे। फिलहाल इस पर पेंडुलम टू लगा दूँ, ये था। इसमें लास्ट वाले में नहीं लगा हुआ तो इसको दोबारा स्प्लिट करते हैं। इसमें वन फर्स्ट पेंडुलम भी लगाते हैं और सेकंड पेंडुलम भी लगाते हैं। इसको स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट वाले पे एनिमेशन में गए कॉम्बो, फिर पेंडुलम वन ले लिया हमने, सेकंड पे आ चले गए, फिर पेंडुलम टू क्लिक कर दिया हमने। तो ये वीडियो हमारी दोबारा बन गई, ठीक है। ये ट्रांजिशन बहुत बेहतरीन हो रही है। तो अभी कोशिश करेंगे इसमें कोई भी सॉन्ग ऐड करें हम, ताकि बहुत ही मज़ा आ सके वीडियो में। तो चले मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर साउंड में चले गए मैं। मैंने डिवाइस में कुछ गाना डाउनलोड किया था। आपको कोई गाना चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट का इशू आ सकता है तो गाना म्यूट हो सकता है, तो आप म्यूट कर दीजिएगा वरना अदरवाइज कॉपीराइट का इशू आएगा, आपकी वीडियो मोनिटाइज नहीं हो सकेगी। तो गाना छोटा है, वीडियो बड़ी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इमेजेस जो हैं ऊपर वाली इनकी ड्यूरेशन छोटी करूँगा। हर इमेज को क्लिक करके इनकी थोड़ी टाइमिंग कम कर दूँगा ताकि आइडियो जहाँ तक आ रही है वहाँ तक मैं इसको ले आऊँ। जहाँ तक ले आया मैं, फिर यहाँ पे ले आया, इसको फिर छोटा कर दिया हमने। ऐसे कर कर आके हमने जो है वो पूरा बैलेंस करना है ताकि जहाँ तक आइडियो चल रही है वहाँ तक इसको हम ले आएँ। तो अभी चले हम प्ले करके देखते हैं। वो एंड वाले को आप काट दें, जी कैपकट का डिफ़ॉल्ट में आता है, इसको काट दें। अभी हम चला के देखते हैं गाना कैसे लगता है।
देखा दोस्तों आपने वीडियो कितनी बेहतरीन बनी है, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो आज तक के लिए इतना ही था, अगर किसी दोस्त का सवाल हो तो वो इजीली पूछ सकता है, मैं इसका इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही।